हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी वी फैशन। तो आज के इस वीडियो में हम गोटा पत्ती से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो देखिए, एम्ब्रॉयडरी हम चाक स्लाइड और नीचे दामन पे, बाजुओं पे, सारी जगह एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो चलिए पहले सूट की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सूट है, इसके मैंने अलग अलग पर्दे कर लिए हैं। ये आगे वाला पर्दा है इसका, और ये बाजू है इसकी, ये पिछले वाला पर्दा है। पहले हम पिछले वाले पर्दे को बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर ही हम अगले वाले पर्दे को बिछा लेंगे। चलो इसके ऊपर अगले वाले पर्दे को बिछाएंगे, दोनों की एक साथ कटिंग करेंगे। दोनों पर्दों को ऐसे अच्छे से बिछा के अब हम लगाएंगे गले का निशान। तो उससे पहले यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो ऊपर से, उसे कट कर लेंगे। अब लगाएंगे गले का निशान। तो गले का निशान लगाना हमें 3 इंच पे, ऊपर से 3 इंच रखना है। और इसकी लंबाई मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, छोटा ही गला बनाऊँगी पीछे वाला। तो लंबाई इसकी हम रखेंगे 4 इंच। यहाँ पर 4 इंच निशान लगा लिया, इन निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर निशान सीधे कर लिए हमने। अब लगाएंगे हम गुलाई का निशान इसमें। यहाँ पे हमने लगा दी गुलाई। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपने तीरा का निशान। तीरा हमें लेना 6.5 इंच। नॉर्मल जो सूट बनाते हैं उसमें तीरा 6.5 इंच का होता है, और तीरा की जो आरमोल की लंबाई होती है वो होती है 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच आरमोल की लंबाई ले ली हमने। 14 इंच पे हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। 20.5 इंच पे नीचे कमर के लिए निशान लगाएंगे। 20.5 पे ऐसे लगा रही हूँ, मुझे 13.5 इंच के चाक रखने हैं इसके। इसमें साइड में कटवर्क बनाना है तो 13.5 इंच के चाक रखूँगी, थोड़े ऊँचे। नॉर्मल सूटों में हम 14.5 इंच के रखते हैं, तो इसमें 1 इंच कम लिया है। इन निशानों को सीधा कर लेंगे। जो हमने आरमूल का निशान लगाया ये वाला, ये हमने पीछे के लिए लगाया। अब लगाएंगे आगे के लिए। यहाँ से 0.5 इंच लेंगे और 0.5 इंच लेके ऊपर से इसे सीधा कर लेंगे, ऐसे तिरछा करके सीधा कर लेंगे। ये आगे का आरमूल का निशान है और ये वाला पीछे के लिए। अब लगाएंगे हम इसकी फिटिंग का निशान। तो फिटिंग का निशान हम लगाएंगे, जितनी भी हमारी फिटिंग होगी हम उस हिसाब से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी जो फिटिंग का साइज़ है वो है यहाँ पर 9.5 इंच रखना हमें, ऊपर से 9.5। अब हम लगाएंगे बीच में, बीच में से हमें रखना है 8.5 इंच। यहाँ पे 8.5 इंच पर लगाएंगे, और नीचे से हमें रखना है, वैसे तो हमारी फिटिंग का निशान नीचे से 10 इंच है, पर 0.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि साइड में कटवर्क करेंगे तो उसके पीछे भी हमें सिलाई थोड़ा दबानी पड़ेगी, तो इसलिए 0.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। तो नीचे कमर पर जब भी आप फिटिंग का निशान लगाओ, अपनी फिटिंग से 0.5 इंच एक्स्ट्रा लगाना। अब यहाँ पर अपने फिटिंग वाले निशानों को मिला लेंगे, ऊपर से ऐसे गुलाई, थोड़ी हल्की सी ऊपर से ऐसे गुलाई देंगे, और ऐसे करके इसे नीचे तक मिला लेंगे। ये हमने लगा लिया फिटिंग का निशान। अब इसकी फिटिंग का निशान तो लगा लिया हमने। अब लगाना है इसके लिए जो हमें बाहर के लिए मार्जिन लेना है। तो इसमें कपड़ा मैं अंदर की तरफ ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि कम ही लेना मुझे। तो मैंने कम से 1 से 1.5 इंच के करीब मैंने यहाँ कपड़ा ले लिया है, जो कि मार्जिन के लिए है। हमें फिटिंग का निशान लगा लिया, मार्जिन भी लगा लिया हमने। अब लगाना आरमूल की गुलाई का निशान। तो यहाँ पहले हम पीछे वाले आरमूल गुलाई का निशान लगाएंगे यहाँ से। ऐसे ही हम आगे वाले आरमूल गुलाई का निशान लगाएंगे। अब ये देखिए, हमने दोनों तरफ के आरमूल की गुलाई का निशान भी लगा लिया है। अब हम लेंगे इसकी लंबाई। अब लगाएंगे इसकी लंबाई का निशान। तो लंबाई हमें रखनी है 44 इंच। तो 44 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे एक निशान। तो इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब लगाना हम नीचे, तो जितना भी हमें अपना पर्दा रखना है उसके लिए निशान लगाना है। तो उसके लिए हम ऊपर से यहाँ से नाप लेंगे। यहाँ से हमारी जो फिटिंग है वो है 10.5 इंच। तो यहाँ से 0.5 इंच एक्स्ट्रा हम नॉर्मल सूटों में लेते हैं, तो 0.5 इंच एक्स्ट्रा 11 हो गया। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 11 इंच पर निशान। ये हो गया 11 इंच पर निशान। 0.5 इंच और निशान लगाएंगे हम, वो लगाएंगे इसमें कटवर्क बनाना, तो अंदर सिलाई में जाएगा। उसके लिए 0.5 इंच पर निशान लगा लिया। ये हो गया 11.5 इंच। अब इस निशान को जहाँ पे हमारी सिलाई और फिटिंग का निशान है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे हम,
जिधर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन है उधर की तरफ थोड़ा सा लेते हुए और इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये निशान जो हमने लगाया ऊपर से ये लगाया जहाँ पे हमारी फिटिंग का निशान है उसे थोड़ा अंदर की तरफ लगाया, जिधर की तरफ हमारा मार्जिन है उधर से करके और सीधा कर लिया है। अब इस पर यहाँ बनाना है हमें साइड चाक पे और नीचे दामन पे कट वर्क डिजाइन, तो उससे पहले इसकी कटिंग करेंगे। चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमने जहाँ जहाँ निशान लगाया निशानों के ऊपर कटिंग कर ली है। ये देखिए है, मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके आगे वाले आरमोल की कटिंग करेंगे, नीचे वाले पर्दे को छोड़ देंगे, ऊपर वाले पर्दे में अगली बारी उसमें करनी है। अब यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई कटिंग। अब इसकी बाजू कट करनी है, तो इसकी बाजू कट करेंगे पहले। ये मैंने इसकी बाजू कट कर ली है। अब यहाँ पे मैंने एक बुकरम का टुकड़ा लिया है, ये लिया है मैंने 4 इंच चौड़ा। देखिए 4 इंच चौड़ा एक बुकरम का पीस लिया है, इसको हमने डबल कर लेना है। ये मैंने एक पैटर्न बना रखा है, इसको मैंने नीचे से गोल शेप दिए, इस पैटर्न को इसके ऊपर रखते जाएंगे और इसके ऊपर निशान लगाते जाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे बुकरम पर निशान लगा लेंगे। इस पैटर्न को ऐसे उठाते जाएंगे और आगे रखते जाएंगे, निशान लगाते जाएंगे। इसी तरीके से पूरे बुकरम पर हम निशान लगा लेंगे और इसी टाइप से हमें कम से कम 6 पट्टियाँ तो चाहिए सूट की स्लाइड चाक और नीचे बॉट उसके लिए दामन के लिए और 2 बाजुओं के लिए, तो सारी हम ऐसे कट कर लेंगे। इसको कट कर लेंगे, जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ से कट कर लेना है। ये यहाँ पे कटिंग कर ली है, इसी तरीके से मैंने सारी जितनी भी मुझे चाहिए थे मैंने सारी कटिंग कर ली है ऐसे। ये देखिए अब सूट को सिलेंगे हम। इसमें आगे वाला गला तो बना हुआ है तो उसको तो हमें कुछ करना नहीं है, ऐसे छोड़ देना। पीछे वाला गला बनाना है तो उसके लिए हम एक कपड़ा लेंगे। यहाँ पे हमने एक कपड़ा ले लिया, इसमें से 2 तिरछी पट्टी काटनी है, बीच में से ऐसे करके 2 तिरछी पट्टी निकाल लेनी है। इन्हें ऊपर से बीच में से ऐसे तिरछा करके कट कर लेंगे और ऐसे इन्हें जोड़ लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा के इन्हें जोड़ लेंगे। यहाँ पे वो पट्टी हमने बना ली है, अब उसे हम लगाएंगे अपने पिछले वाले गले में। तो इस पट्टी को ऐसे हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे गले पर रख के इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस पे ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे पूरे पे। अब यहाँ पे सिलाई लगा ली, एक्स्ट्रा जो कपड़ा उसे कट कर लेंगे। इसको ऊपर रख लेंगे ऊपर वाले पर्दे को और ऊपर कंधे की सिलाई लगा लेंगे। हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, हम जो हमने पट्टी लगाई है इसे बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ से दोनों पर्दे की जो गले उन्हें मैच कर लेंगे। ऐसे जो पट्टी लगाई है उसे बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमें जो बाहर की तरफ निकाली है यहाँ से इसे बाद में हम फोल्ड करेंगे, जिससे गले की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। यहाँ से सिलाई को पक्का करके इसी तरीके से हम दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे। जो हमने पाइपिंग लगाई है इसको बाहर निकालते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो कंधे वाली सिलाई है वो लगा ली है हमने। जो पाइपिंग हमने बाहर की तरफ निकाली थी इस पाइपिंग को ऐसे कपड़े को अंदर की तरफ दबाते हुए पाइपिंग को ऊपर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इस पर पक्की सिलाई लगा लेंगे, छोटा गला तो इस पर हमें तुरपाई तो करनी नहीं है, तो इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे पक्का करके। गला बनके हमारा कंप्लीट हो गया है, अब लगानी है हमें फिटिंग वाली सिलाई, तो उसके लिए हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। चलिए यहाँ से नीचे से जो हमने कट लगा रखा है फिटिंग के लिए उस कट को नीचे से मिलाते हुए फिटिंग का निशान लगाएंगे। जहाँ पे हमने फिटिंग का निशान लगाया उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई लगा के इसे पक्का करके
यहाँ से सिलाई को दोबारा वापस ऊपर की तरफ भेजेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे, एक सिलाई अलग से लगाएंगे यहाँ से। अभी हमने दोनों सिलाई लगा ली है, ऐसे ही हम दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे फिटिंग के लिए। ये हमारी दूसरी साइड है, इस पर भी सिलाई लगा लेंगे फिटिंग वाली। और इसमें भी हम थोड़ा सा मार्जिन देने के लिए दूसरी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी फिटिंग वाली दोनों सिलाई लगा ली है हमने। अब हमने बनानी है स्लाइड जाक और नीचे दामन, इस पर हमें लगाना कटवर्क। तो उसके लिए मैंने पहले ही बुकरम कट करके रखा हुआ है, उस बुकरम की जो कटिंग है उसको हम कपड़े पर सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी कट कर लिए हैं। अब इन कपड़ों के ऊपर हमें ये बुकरम सेट करना है, तो एक सिलाई से इसे सेट कर लेंगे। 2 इंच चौड़ा हमारा बुकरम का ये पीस है और 2.5 इंच चौड़ा हमने ये कपड़ा लिया है। तो इसे 1/2 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सारे जितने भी हमारे ये बुकरम वाले पीस हैं इन पर सारे पे ऐसी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सारों पे मैंने ऐसी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम अपने सूट को यहाँ से जहाँ से हमारी स्लाइड चाक का ये सिलाई है यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से हमें लगाना है जो हमारा कटवर्क वाला ये डिजाइन है, इसको इसके ऊपर रख के इसमें सिलाई लगानी है। इस कपड़े को पहले हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके अब हम जो हमने कपड़े पे अपना बुकरम सेट किया उसको लेंगे। अब जो इसमें ऊपर वाला कंगूरा बना हुआ इसमें से हमें ऊपर से कुछ कट कर देना, बस 1/2 इंच के करीब हमें यहाँ पे रखना है ऊपर की तरफ। यहाँ से 1/2 इंच के करीब हम निशान लगा के और इस कंगूरे को ऊपर से कट कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। स्लाइड चाक बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हम ऊपर से पूरा नहीं लगाना, हमें कंगूरा यहाँ से आधा कट करके 1/2 इंच के करीब रखना है और यहाँ से सेट कर लेना है इसके ऊपर। अगर हम पूरा लगाएंगे तो ऊपर की स्लाइड चाक का जो कोना वो अच्छे से नहीं बनेगा, तो इसे यहाँ ध्यान रखिएगा, इसे यहाँ पर 1/2 इंच ही रखिएगा ऊपर से और यहाँ पर आप लगा लेंगे इसे। यहाँ पर जहाँ पर हमारी सिलाई है वहाँ से बिल्कुल टच करते हुए इसको ऐसे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इधर की तरफ से हमारा उल्टा हाथ पड़ेगा, तो मैं सिलाई नीचे से लगाऊंगी, तो इसके लिए मैं नीचे से इसको यहाँ से पकड़ के और नीचे से मैच कर लेती हूँ। अब यहाँ से हम नीचे से मैच कर लिया, नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम नीचे से सिलाई लगाएंगे, अब यहाँ से हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे इनके यहाँ। जैसे जैसे हमने गुलाई करी हुई है बनाई हुई है, इस गुलाई के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना अच्छे से। सिलाई अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगानी है, जिससे कि हमारे कंगूरे जब बाहर की तरफ निकाले तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ निकले। और जो नीचे वाला कपड़ा है इसे थोड़ा खींच के रखना है, अगर इसे खींच के नहीं रखोगे तो ये बीच में इकट्ठा हो जाएगा और फिर आपके कंगूरे अच्छे नहीं निकलेंगे, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना है, उसे खींच के रखना है नीचे से। इसी तरीके से सारी सिलाई को हम ऊपर तक लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर तक हमने सिलाई लगा ली, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। अब जो इसके बीच में ये कपड़े हैं इस कपड़े को हमें कट कर लेना है और इस कपड़े को अच्छे से कट करना है, बुकरम नहीं कटे और सिलाई नहीं कटे, बस कपड़े को ही कट करना है हमें। इस तरीके से सारे कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा को। ये सारा कपड़ा कट कर लिया है हमने, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ लगाएंगे। तो यहाँ भी हम 1/2 इंच ऊपर से कट करेंगे, 1/2 इंच हमें रखना है और बाकी का ऊपर का जो है वो कट कर देना है। इस तरीके से इसे यहाँ से कट करके चारों स्लाइड चाक के लिए हमें ऐसे इसी तरीके से लगाना है, ऊपर से 1/2 इंच से स्टार्ट करना है, जोड़ना हमें ये जहाँ पे हमारी सिलाई शुरू होती है वहाँ से इसे ऐसे टच करके और इस पर कंगूरे की डिजाइन में ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब इस पर भी सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमने पहले लगाई थी ऐसी सिलाई लगा लेंगे इस पर भी। अभी देखिए इस पे भी सिलाई लगा के मैंने इसके जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट कर लिया है। अब लगाने हैं बीच में जो यहाँ पे सिलाई है, यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, तो इस छोटे छोटे कट लगा लेंगे पहले। इसी तरीके से सारे कंगूरों के बीच में ऐसे कट लगाते जाना है, ये सारे कट लगा लिए। अब इसको बाहर निकालेंगे ऐसे करके, इन्हें बाहर निकाल लेंगे, पहले इसे हाथ से बाहर निकाल लेंगे फिर इसे कैची की हेल्प से सीधा कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से सारे बाहर निकाल लिए हमने, अब इन्हें कैची से सीधा कर लेंगे ऐसे, कैची से इन्हें बाहर की तरफ अच्छे से फिनिशिंग के साथ निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे कंगूरे हमें बाहर निकाल लेने हैं,
अब ये देखिए हमने ये सारे कंगूरे ऐसे बाहर निकाल लिए हैं। अब इसके यहाँ से हमें किनारे किनारे से ऐसे करके सिलाई लगानी है। इसे आप चाहो तो लगा भी सकती हो और नहीं चाहो तो नहीं लगाओ, कोई बात नहीं, वो आप बाद में सिलाई लगाओगे एम्ब्रॉयडरी के लिए तो वो लग जाएगी, लेकिन इससे लगा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से पक्का हो जाएगा। जब एम्ब्रॉयडरी के लिए सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर सिलाई इसलिए लगा लेना ज़रूरी है। इसी तरीके से सारे में हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है, ये देखिए दोनों तरफ की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें नीचे बनाना है दामन, उसके लिए हमें जो बुकरम पे हमने कपड़ा अटैच किया है उसे लेंगे। यहाँ पे हम एक कंगूरा बाहर की तरफ निकालते हुए इसको लगाएंगे, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा एक कंगूरा हमें बाहर की तरफ निकाल के रखना है, ये बाद में हमारा कॉर्नर यहाँ से बनाने के लिए काम आएगा। तो एक कंगूरा बाहर की तरफ निकालेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से बाहर की तरफ निकालते हुए अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से ऐसे करके अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई को लगा लेंगे। अब ये देखिए इधर की तरफ जैसे हमने एक कंगूरा बाहर निकाला था, एक कंगूरा इधर की तरफ भी हमने बाहर निकाल लिया है। अब इनको भी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके और बीच में छोटे छोटे कट लगा के इसे सीधा कर लेंगे। और यहाँ से भी छोटे छोटे कट लगा के इसे बाहर निकाल के सीधा कर लेंगे अच्छे से। जिस तरीके से हमने साइड स्लाइड चाक को सीधा किया था ऐसे ही इसको सीधा कर लेंगे और इस पर भी नीचे से एक सिलाई लगा लेंगे। सीधा कर लिया, अब इस पर सिलाई लगा लेंगे। और जो हमने एक कोना वो बाहर की तरफ निकाला था उसे अभी ऐसे ही रहने देना है, अभी कट नहीं करना है उसे, पहले सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब जो हमने बाहर की तरफ छोड़ा है अभी यहाँ से बनाना है हमें कोना, तो कोने पे बनाने के लिए हम एक कंगूरा बनाएंगे, तो अगर एक साथ हम बनाते तो वो बनता नहीं अच्छे से, इसलिए हम यहाँ बाद में बना रहे हैं इसे। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से और एक ऊपर स्लाइड चाक से जहाँ से हम जोड़ना शुरू करते हैं वहाँ से, और एक यहाँ ये कोना बनाते, ये डिजाइन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इसे स्किप कर दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आपकी डिजाइन अच्छे से बनेगी नहीं। तो यहाँ से कंगूरे के निशान ऐसे लगा के इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाया इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। एक तरफ का ये बना लिया हमने, ऐसे ही दूसरी तरफ बना लेंगे। यहाँ पे जो हमने अभी कट किया था उसको इसके ऊपर रख लेंगे और उसी के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा के और एक कॉर्नर यहाँ बना लेंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे रख के यहाँ पर भी एक कंगूरा ऐसे बना लेंगे। ये निशान लगा लिया हमने, अब इसे भी कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो इसमें आ रहा है इसे कट कर लेंगे। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छी फिनिशिंग के साथ कट करना, आपको अगर यहाँ से जरा सा भी ऊपर नीचे कट हो गया तो ये आपका कंगूरा बिगड़ जाएगा और आपका कॉर्नर अच्छा नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको बहुत आराम से काटना धीरे धीरे अच्छे से। अब इसको यहाँ से सेट करके ऐसे रख लेंगे। अब इसमें ऊपर थोड़ा सा कपड़ा और एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे, तो उसको मैं कट करूँगी अच्छे से। अब यहाँ से इसे कट करके इसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे। अब एक कपड़ा लेंगे हम, उस कपड़े में से हमें बनानी है तिरछी पाइपिंग निकालनी है एक, इस तरीके से जैसे हम गले की पाइपिंग निकालते हैं तिरछी, उसी तरीके से हमें तिरछाई से कपड़ा काट लेना है। यहाँ पे इस कपड़े को ऐसे रखेंगे, सिंगल ही रखेंगे, इस कपड़े को डबल नहीं करेंगे, ऐसे रख के और इस पर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। यहाँ से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना, जरा सी सिलाई ऊपर नीचे हो जाएगी तो ये कंगूरा बिगड़ जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सिलाई अच्छे से लगाएं।
कपड़े को ऐसे कंगूरे के ऊपर रखती जाना है, बढ़ाती जाना आगे की तरफ और सिलाई को लगाती जाना है। ऐसे घुमाते हुए सिलाई को पूरा कर लेंगे। वाले कटवर्क डिजाइन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है यहाँ से कॉर्नर बनाना। यहाँ पे हमने बना लिया, इसे ऐसे करके सीधा कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो इसे अंदर की तरफ करेंगे अच्छे से, इसे ऐसे एडजस्ट करके कपड़े को, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। और वैसे ये सिलाई यहाँ पे दिखेगी नहीं, आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये सिलाई यहाँ पे लगाएंगे दिखेगी, ऊपर से हमें ये इसके ऊपर डिजाइन बनानी है एम्ब्रॉयडरी वाली, तो उसमें ये अंदर आ जाएगी, दिखेगी नहीं, तो उस चीज़ की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे देखिए हमने ये कपड़ा ऐसे सेट करके यहाँ पे कॉर्नर बना लिया, कितने अच्छे से हमारा ये कॉर्नर बन गया। इस तरीके से हम दूसरी तरफ बना लेंगे। यहाँ पे भी हम एक तिरछी पट्टी कट कर लेंगे और उसको भी ऐसे सेम तरीके से बना लेंगे। जिस तरीके से हमने पहले वाला कॉर्नर बनाया उसी तरीके से इसको भी बना लेंगे। इसकी सिलाई लगा ली हमने, इसको भी ऐसे सीधा करके अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। इस पे भी यहां से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इस कपड़े को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा दूसरे वाला ये जो कॉर्नर है ये भी बनके रेडी हो गया। कितने अच्छे से हमारे दोनों तरफ के कॉर्नर बन गए हैं। इसी तरीके से हमें पिछले वाले पर्दे में भी बना लेने हैं। और जो ये कपड़ा इसको एक्स्ट्रा को यहाँ थोड़ा थोड़ा कट करके बाकी जो हम साइडों में तुरपाई करेंगे तो उसमें इसमें भी तुरपाई कर लेंगे, तो ये यहाँ से सेट हो जाएगा तुरपाई करके। इसे यहाँ से तुरपाई के साथ ही अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें बनानी है एम्ब्रॉयडरी, तो उससे पहले हम पहले सिलाई चाक को सेट करेंगे। जो हमने आधा इंच अपनी फिटिंग के निशान में एक्स्ट्रा लिया था उसे यहाँ से सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारी सिलाई चाक अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा दबाते हुए सिलाई के अंदर लगाते हुए एक सिलाई लगा देनी है। जहाँ पर हमने अपनी फिटिंग की सिलाई लगाई है उससे थोड़ा सा अंदर एक सिलाई और लगा लेंगे, और ये सिलाई हमें थोड़ी ऊपर तक लगानी है, बस करीब 2 इंच के ऊपर तक, बस इस सिलाई को लगा लेंगे। अभी देखिए ये सिलाई बस हमने यहीं तक लगाई है, ये हमने कॉर्नर सेट करने की लगाई जिससे कि ऊपर से अच्छे से कॉर्नर वहाँ से सेट हो जाए। अब ये देखिए यहाँ से कितने अच्छे से हमारा ये कॉर्नर सब बन गया है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ को सेट कर लेंगे, उस तरफ भी ऐसे ही हम कॉर्नर बना लेंगे। गोटा पत्ती वाली एम्ब्रॉयडरी करेंगे उसके लिए हम ऊपर लगाएंगे सफ़ेद धागा, और इसमें बॉबिन में हम भर लेंगे गोटा पत्ती। बॉबिन में गोटा पत्ती भरते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसे थोड़ा टाइट खींच के भरिएगा जिससे कि अच्छे से भर जाए। ये देखिए बॉबिन हमने गोटा पत्ती से पूरी भर ली है, इसे कट कर लेंगे। अब लेंगे अपना सिटल, और जो सिटल का ये छोटा सा पेच होता है ये इसे हम थोड़ा सा लूज करेंगे जिससे कि यहाँ से गोटा पत्ती अच्छे से निकल जाए। इसे यहाँ से थोड़ा सा लूज कर लेंगे। अब यहाँ से मैंने ये लूज कर लिया, अब इसके अंदर डालेंगे हम बॉबिन को। इसे इसके अंदर डाल के गोटा पत्ती को यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, और गोटा पत्ती को ऐसे खींच के देखेंगे कि ये आराम से निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो ये आराम से निकल रही है, इतना ही आपको खींचना है, जैसे धागा निकलता है उसी हिसाब से ये निकलनी चाहिए। और इसको लगा लेंगे मशीन में नीचे। अब गोटा पत्ती को ऐसे मशीन को नीचे करते हुए ऊपर निकाल लेंगे एक बार। देखिए गोटा पत्ती हमने ऊपर निकाल ली है, अब बनाएंगे हम एम्ब्रॉयडरी।
यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले ही बना रखी है कुछ एम्ब्रॉयडरी, कुछ पे मैंने रखी हुई है। अगर पूरे की आपको मैं वीडियो बना के दिखाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी बना के। तो इस पे यहाँ से जहाँ जहाँ से हमने ये कॉर्नर बनाया, इसके कॉर्नर के बिल्कुल किनारे किनारे ऐसे करके सिलाई लगाते जाना है, और ये सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ आराम आराम से आपको लगानी है, तभी अच्छे से लग पाएगी और ये जो नीचे वाली ये डिजाइन है हमारी अच्छे से दिखेगी। तो इस सिलाई को बड़े आराम से फिनिशिंग के साथ लगा लेना है। देखिए ये हमारी ऐसे करके एम्ब्रॉयडरी बाहर निकल के आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप इसी डिजाइन को आप अपने बाजू पे, पैंट पे, सूट की स्लाइड जैक पे सब जगह लगा सकते हो। सेम इसी डिजाइन को बना के मैंने इस सूट के साथ का जो प्लाजो पैंट है वो भी बनाया, उसकी वीडियो भी मैंने इससे पहले डाली है, तो आप उसे भी देख सकती हो। इसी तरीके से हमारी जितनी भी हमारी कॉर्नर वाली डिजाइन है इसको सारे को ऐसे सेट कर लेंगे, अच्छे से सिलाई लगा के एम्ब्रॉयडरी को बना लेंगे। और यहाँ पे ऊपर जो ये कोना है हमारा स्लाइड चाक वाला, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, इसको ऊपर भी लगा लेंगे ऐसे घुमाते हुए। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी सूट की एम्ब्रॉयडरी फिनिश हो गई है, पूरी स्लाइड चाक और दामन पे हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली है अपनी। अब ये देखिए कितना खूबसूरत सा डिजाइन बनके हमारा रेडी हो गया है। इस तरीके से मैंने बाजुओं पे भी ये डिजाइन बना लिया, अब बाजुओं को सिल लेंगे हम और सूट में जोड़ लेंगे इन्हें। यहाँ पे हम दोनों बाजुओं की फिटिंग की सिलाई को लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमारे दोनों बाजुओं की फिटिंग की सिलाई लगा ली है, मैं अब इन्हें सूट में जोड़ लेंगे। यहाँ से सूट को ऐसे पकड़ेंगे और बाजुओं को सीधा करके सूट को उल्टा रखेंगे, बाजू को रखेंगे हम सीधा और ऐसे करके यहाँ से इस बाजू को अंदर की तरफ डाल के, और जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है उन्हें नीचे से दोनों सिलाइयों को मिला लेंगे। यहाँ से अच्छे से इन दोनों सिलाइयों को मिला के, ये देखिए दोनों सिलाई मिला ली है मैंने, अब यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों बाजुओं को अपने सूट में अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है रजनी वी फैशन के नाम से ही, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप चाहो तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को सूट में अटैच कर लेंगे। अब ये देखिए दोनों बाजू को हमने अटैच कर लिया, आप सूट को सीधा करके मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कितना सुंदर सा खूबसूरत सा डिजाइन बनके रेडी हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे डिजाइन वाली वीडियो लाती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।